नमस्कार, मैं हूं रवि किशन और क्राइम फाइल्स के इस एपिसोड में आपका मैं स्वागत करता हूं। दो पैसे ज्यादा कमा रही हूं ना, इससे आपको दिक्कत हो रही है। बेवकूफ मत बनाओ मुझे। बेवकूफ मैं नहीं, आप बल्कि मुझे बना रहे हैं। हाँ, आपको छूले हैं। दूर, मैं करती हूँ, मैं करती हूँ। ये भगवान ही अभी तक सो रहे हैं। उठ जाइए पतिदेव, 7 बजे का अलार्म लगा के बैठे और 1 घंटे से अलार्म बज रहा है और आप है कि अभी तक सो रहे हैं। अब उठ भी जाइए पतिदेव। 5 मिनट। अरे 8 बज गए, चलिए उठिए उठिए उठिए। आपको ऑफिस भी तो जाना है ना, जाके फ्रेश हो जाइए। मैं किचन में जा रही हूँ खाना बनाने, ठीक है? बन जाएगा खाना। वैसे आज बहुत खूबसूरत लग रही है तुम। वो तो हम पहले से ही है, लेकिन क्या आज आपको लेट नहीं हो रहा ऑफिस के लिए? देख लीजिएगा, फिर जाके आपको आपके सुपरवाइजर को सॉरी सॉरी बोलना पड़ेगा। ऐसी की तैसी सुपरवाइजर की, तुम्हारे आगे थोड़ा ना कोई है। विनीता, हम तैयार हो गए, नाश्ता लगा दो। ये लीजिए आपके लिए गर्मा गर्म चाय, ये लीजिए बिस्किट। अगर आप बुरा ना माने तो हम कुछ कहना चाह रहे थे। तुम तो ऐसे मस्का लगा रही हो जैसे कि कुछ खर्चा कराने का इरादा हो। क्या हुआ, झुमका चाहिए? अरे नहीं नहीं नहीं, दरअसल हम ये कह रहे थे कि देखिए ना, आप तो पूरा दिन बाहर रहते हैं पर हम घर में रह रहे के बोर हो जाते हैं। तो काम करते हैं, 2 से 3 हो जाते हैं। जब तेरी जब देखो तो मजाक ही करते रहते हो। मेरी बात सुनिए ना, मैं क्या कह रही थी कि यहीं पे यहीं पास में घर के बाहर हम एक दुकान खोल लें। क्या दुकान? हाँ दुकान, जिसमें गृहस्थी की चीजें हम बेचेंगे, जैसे कि चॉकलेट चिप्स, बच्चों के खिलौने। इससे ना 2 फायदे हैं, एक तो ये कि हमारी एक्स्ट्रा कमाई हो जाएगी और दूसरी बात हम बोर भी नहीं होंगे, काम में बिजी लगे रहेंगे। क्यों, हमारी कमाई कम पड़ गई थी क्या ये घर का खर्चा चलाने के लिए? अरे हमारा ये मतलब थोड़ी ना था, हम तो इसलिए कह रहे थे कि क्योंकि हम घर में रह के बोर हो जाते हैं, काम में बिजी लगे रहेंगे, मन भी लगेगा, इससे हमारे घर की कमाई बढ़ जाएगी। और आजकल हम देख रहे हैं आप पे बहुत भार पड़ गया, ऊपर से ओवरटाइम भी आप कर रहे हैं। विनीता देखो, हमारा भार तो कम नहीं होगा, लेकिन हाँ ये दुकान पर भीड़ जरूर लग जाएगी। भीड़ लगने लग जाएगी मतलब आपका कहने का मतलब क्या है? भीड़ लगेगी और हम आशिकी लड़ाएंगे? आप ये कहना चाहते हैं? 3 साल हो गए हमारी शादी को लेकिन अभी तक आपको हम पे यकीन नहीं है ना, हद हो गई। अरे हमारी बात समझो, अरे हमारा मतलब वो नहीं था। क्या मतलब था फिर आपका? यही मांग रहे थे ना, दुकान खोलना चाह रहे थे ना, लेकिन आप छी। विनीता छोड़िए। विनीता देखो, हमें अच्छा नहीं लगेगा कोई तुम्हें बाहर वाला देखे तो। आप बस लड़ना चाहते, हमको रोलाना चाहते। रो लिए, मन आपका शांति हो गया, यही चाहते थे ना आप? अरे विनीता हमारा ये मतलब नहीं था। सब समझ गए, शादी को 3 साल हो गए लेकिन आपको हम पे यकीन नहीं है। बाबा सॉरी। अच्छा ये लो, खोल लो दुकान। अरे देख क्या रही हो, खोल लो। पक्का? हाँ, अब तो खुश हो जाओ। थैंक यू। एक ही ना भैया, 10 रुपए। भाभी जी, वो नया वाला चिप्स दे दीजिए ना।
ये वाला? हाँ ये वाला जी, दे रहे। ये लीजिए। भाभी जी एक बात कहे, आपके यहाँ का चिप्स ना कहीं नहीं मिलता। भाभी जी हमको भी दीजिए ना वो वाला चिप्स। जी दे रहे। विनीता, आई। आप आ गए? पानी लेके आओ। जी लाए। ये लीजिए। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ आपके लिए। अरे भाभी जी कौन है? अरे भाभी जी नमस्ते। जी नमस्ते। चिप्स चाहिए था? अभी लाती हूँ। ले लीजिए। ठीक है, इसे कहते हैं मुनाफा। आपको पता है हमने दुकान खोलने में जितने पैसे लगाए थे ना, वो पूरे 8 दिन में वापस आ गए। आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगी, देखिएगा। क्या बात है, कोई बात हो गई है क्या? जब से आए तब से खोए खोए नजर आ रहे हैं। बहुत कर ली तुमने ये दुकानदारी, कल से दुकान बंद। अरे ये दुकान बंद करने की बात कहाँ से आ गई? क्या हो गया आपको? हुआ ये कि मेरी आंखें खुल गई हैं। आंखें खुल गई है? तुम दुकान क्यों बंद करे? एक तो इतने सालों के बाद हमें जीने का मकसद मिला है, हमने दुकान खोला है और आप कह रहे कि दुकान बंद कर दे। ऐसे कैसे दुकान बंद कर दे आप? हम नहीं बंद करने वाले दुकान। तुम्हारे लिए तुम्हारी दुकान ही सब कुछ है ना, मैं तो कुछ हूँ नहीं, मेरी बातें कुछ है नहीं। हे भगवान, आज तक आप ही की चली, आप ही की सुने, पहली बार तो कुछ अपने मन का किए हम। देखिए हमारी पहचान हमसे मत छीनिए। हमें कुछ नहीं पता विनीता, कल से ये तुम्हारी दुकान बंद, यही हमारा फैसला है। तो हमारा भी फैसला सुन लीजिए, अगर ये दुकान बंद हुआ ना तो हम इस घर में नहीं रहेंगे। किचन में खाना लगा हुआ है, गरम करके खा लीजिएगा। विनीता, अरे हमारी बात सुनो विनीता। आपके लिए दूध रख दो, हम पी लेंगे बाद में। देखिए हमारी बात समझने की कोशिश करिए, हम रोज 300-400 का मुनाफा कमाने लगे हैं, और वैसे भी घर का सारा खर्च तो आप ही करते हैं, ये पैसे तो सिर्फ हम बचा रहे हैं ताकि हमारा भविष्य बेटर हो। विनीता तुम्हें दुकान और पैसों के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता ना, कभी हमारे बारे में सोचती हो? हम पैसों के बारे में नहीं सोचते हैं, हम तो हमेशा यही सोचते हैं कि हमें हमेशा आपके साथ रहना है। देखिए हम जानते हैं कि आपका उस सुपरवाइजर के साथ बिल्कुल नहीं बनता है, रोज लड़ाई होती है, कल को आपकी नौकरी चली गई तो ये दुकान ही तो हमारे काम आएगा ना, ये हम किसके लिए कमा रहे हैं? हम दोनों के लिए कमा रहे हैं ना। देखो विनीता हमें नहीं पसंद कि लोग तुम्हारी दुकान के बाहर खड़े होकर तुमसे हंसी मजाक करें, तुम्हें देखें, हमसे सहन नहीं होता ये सब। ठीक है बाबा, हम मैनेज करेंगे, अब तो अपना मूड सही कर लो। अच्छा यहाँ देखो,
देखो एक बार हमारी तरफ। अरे पर विनीता, अब सिर्फ हम दोनों घर आए, ओके? तुम अभी तो वही सोच रहे हो, मैंने कहा ना कि हम देख लेंगे। सुबह सुबह कहाँ जा रही? देखिए प्लीज हमें टोकिएगा मत, हम किसी बहुत इम्पोर्टेंट काम से जा रहे हैं और 2-3 दिन में हम आपको सब कुछ खुल के बता देंगे। और इतना सच दज के? हाँ बाबा, किसी पे जादू करने जा रहे हैं, इसीलिए सच दज के जा रहे हैं। वैसे सुनो, हमने खाना बना दिया, तुम्हारा टिफिन भी पैक कर दिया, खा के चले जाना और तुम्हारे आने से पहले हम आ जाएंगे, ठीक है? और हाँ एक और बात, हम तुम्हारे वॉलेट से 1000 रुपए निकाल। अरे पर हमारे लिए तो कभी इतना नहीं सजी थी। ओहो, हमारे पति देव जल रहे हैं, जलने की बू आ रही है। वैसे जलते हुए तुम बहुत क्यूट लगते हो, ऐसे ही जलते रहना, हम शाम को आते हैं आपकी आग बुझाने के लिए। दीपक भैया एक बात बताओ, ये विनीता भाभी की आजकल जल्दी दुकान चल पड़ी, 2 साल हो गया चंपू अभी का भी वही पड़ा है। बात तो एकदम सही कहे भाई सोनू भैया, ये चंपू की मुस्कुराहट विनीता भाभी की मुस्कुराहट की तरह थोड़ी ना है। अरे विनीता भाभी को मुस्कुराते हुए देखे लगता है फूलों की बारिश हो रही है, और जब वो बात करती है ना, मन करता बैठ के बतियाते रहे उनसे। इतनी हसमुख औरत का दुकान में भीड़ नहीं लगेगा तो चंपू की दुकान में भीड़ लगेगा, बताओ भैया। ये औरत जब हसमुख है कैसे पता चलेगा? ये धंधा बढ़ाने का तरीका है, जितनी सीधी दिखती है ना उतनी सीधी होती नहीं है। ये औरत लोग कुछ और बातें हंस के क्या कर लेती है, मर्द लोग पैरों में गिर जाते हैं। अरे भैया है, अबे बता कि तू रंग रूप के हिसाब से अपने आप को कितना नंबर देगा? ये कैसा सवाल है? आना यार, यही 50 या 55। और भाभी को? भाभी को कम से कम 90। तू एक बात बता कि एक 90 नंबर वाला 50 नंबर वाले के साथ क्यों रहेगा? क्यों करना चाहेगा? अरे भोले यार, उसका तुझसे कोई मतलब होगा तब ना। अबे ये खूबसूरत औरतें होती है ना, ये तुम जैसे भोले आदमियों को अपने जाल में फंसाती हैं। देख मैं तेरा भाई, धीरे धीरे करके तुझे औरतों के बारे में मैं एक एक चीज बताऊंगा। वाह क्या बनाती है भाभी जी आपके हाथ में ना कसम से बता रही जादू है जादू, पूरे मोहल्ले के मिठाई घर में ना ऐसा पेड़ा नहीं देखा सब फिर। अच्छा तो भैया निकालिए इस पेड़े के 50 रुपए। 50 रुपए? हाँ। इसके पड़ोस के दुकान में तो अरे भैया ये शुद्ध देसी घी में बना है, और अभी आप ही ने तो कहा ना कि पूरे मोहल्ले में मिठाई की दुकान में सारे पेड़े फेल हैं मेरे पेड़े के सामने, तो निकालिए इसके 50 रुपए। क्या आपके पास 50 रुपए भी नहीं है? अरे है ना भाभी, अभी निकालते। तो ये रहा QR कोड, स्कैन करिए और भेज दीजिए पैसे। भाभी जी ने आप ना सिर्फ दिखने में नहीं बोलते भी बहुत चालू, मतलब बहुत अच्छी है। अभी अभी स्कैन करते हैं। अरे भैया नमस्ते, भाभी आते हैं ठीक। बिना हंसी टिटोली के सामान नहीं बेच सकती तुम? अरे थोड़ा सा हंसी मजाक करने से 2 ग्राहक बने रहते हैं, आते रहते हैं। क्यों देवर हैं ये लोग तुम्हारे जो इतनी हंसी टिटोली करती हो? थोड़ा सा हंसी टिटोली कर ली तो उसमें क्या हो गया, 2 पैसे ज्यादा आ रहे हैं, इसमें तो आपको खुश होना चाहिए ना। बेवकूफ मत बनाओ मुझे। बेवकूफ मैं नहीं, आप बल्कि मुझे बना रहे। आपकी समस्या पता क्या है कि मैं 2 पैसे ज्यादा कमा रही हूँ ना, इससे आपको दिक्कत हो रही है। लेकिन अब कुछ भी हो जाए हम दुकान नहीं बंद करने वाले हैं। मुझे पता है पैसा तो एक बहाना है, तुम्हें पराए मर्दों के साथ ना हंसी ठिठोली ही करनी है।
क्या बकवास कर रहे हैं आप? आप मेरे चरित्र पे उंगली उठा रहे हैं? शर्म नहीं आती आपको? और इधर मैं आते की शिकन है ना, इससे मुझे पता लग रहा है तेरी बीवी के अंदर वो सारे लक्षण आ गए। प्रिया चरित्र कहते हैं इसको। तू कभी भी उसे टोकेगा ना, अब झम 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 गंगा जमुना बहाने लगी और तुझे अपने ही कही भी बात पे शक करवा देगी। तुझे अफसोस होगा अपनी कही भी बात को। अबे मेरे भाई, ये एक जाल है और अगर तू इसमें एक बार फंस गया ना, तभी निकल नहीं पाएगा। अब हम नहीं आएंगे तुम्हारे त्रिया चरित्र के बहकावे में। आंखें खुल गई हमारी, करती रहो गुस्सा। विनीता, विनीता चलो खाना खा लो। हमें नहीं खाना। नहीं, खाने पे गुस्सा नहीं करते, खा लो ना। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। अच्छा बाबा ठीक है, हो गई गलती, अब कान पकड़ते हैं। सॉरी, खाना खा लो। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। सॉरी गलती हो गई, माफ कर दो। मैं प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, चाहती क्या हो? जब हमें नजदीक ही नहीं आने देना तो मना कर दो साथ साथ। आखिर तुम्हें हो क्या क्या है? तुम हर बात में मुझसे लड़ने आ जाते हो। तुमने हमें पसंद किया था तभी हम दोनों की शादी हुई है ना। आज तक तुमने जो कहा जैसा चाहा वैसा ही हुआ है। पहली बार जिंदगी में, पहली बार हमने कुछ अपने मन का किया है। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पे टिका होता है, जो आपको है नहीं हम पे। अभी मनाने आए हैं, सुबह फिर से धमकाने लगेंगे, लड़ेंगे, ऐसे हम नहीं जी पाएंगे। विनीता हटिए। विनीता हमारी बात को तो समझो। एक ऐसा टाइम आता है जब तेरी बीवी तेरे साथ ही सोने से मना कर दे। मेरी बात मान, अगर ऐसा होता है तो यकीनन उसकी उसकी लाइफ में कोई दूसरा शख्स आ गया है। और अगर ऐसा हुआ ना दोस्त, तो यू आर फिनिश्ड, खत्म खत्म तू। मुकेश, मुकेश। अबे सर, सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहा है? बस भाई यहीं से गुजर रहा था, सोचा तुझसे मिल लूं। क्या वो सब ठीक तो है ना? हाँ यार, कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ चल बैठ। अच्छा सुन, दारू पिएगा? नहीं यार। अबे साले तू दारू के लिए मना कर रहा है, ठीक तो है साहब? भाई मूड नहीं यार। बोल क्या हो? अरे बोल ना यार। क्या भाभी से रिलेटेड कुछ? यार मदद चाहिए थी तेरी। अबे तो बोल ना, मैं हूँ यहाँ पे। क्या मदद चाहिए? मुझे अपनी बीवी पे निगरानी रखवानी है। तेरे उस जासूस दोस्त से बात कर, ले पैसे। अच्छा तो ये मामला है दोस्त, लगता है स्थिति गंभीर हो रही है। क्या चल रहा है, क्या दिमाग में क्या चल रहा है? देख मेरी बीवी कहाँ जाती है, किससे मिलती है, किससे हंसी मजाक करती है और किसके साथ हंसी मजाक से ज्यादा रिश्ता है, मुझे सब जानना है। हो जाएगा ये? अबे तू अपने उस जासूस दोस्त को बुला ना, आज ही काम सौंप दे। अबे आज क्या, तू अभी ले, ये ले अभी मिलाता हूँ, ये ले देख। ये कौन है? अबे पहचाना नहीं? मीट दीवान एंड ओनली जासूस ऑफ यूपी, मिस्टर भ्रमचंद जोशी। अबे मैं हूं। ये देख मेरा एजेंसी का कार्ड रख। देखा, अबे तुझे पता भी नहीं लगने दिया, यहाँ दिन भर ऑफिस में बैठ के तेरे साथ काम करता हूँ और रात में जासूसी। तभी तो दिन भर ऑफिस में उबासी लेता हूँ बे।
वो तो ठीक है पर काम तो हो जाएगा ना? 110% हो जाएगा बे। तू टेंशन क्यों ले रहा है यार? अबे तुझे मेरी एजेंसी के बारे में पता ही कहाँ है। अच्छा तू बैठ बैठ, चाय लेके आता हूँ। टेंशन नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं। कुछ पता चला? मैं तेरे भाई की इन डिटेक्टिव आंखों ने कुछ तलाश लिया है। कोई है ना उसकी जिंदगी में? हाँ यार है तो। मैंने भाभी का पीछा भी किया, वो ऑटो से निकलकर डिवाइडर की उस तरफ खड़ी हुई, वहां एक हेलमेट लगा के एक आदमी यार उसके साथ निकल गई यार। फिर तू गया उसके पीछे? अरे मेरे भाई गया ना, लेकिन गोली की तरह निकल गया यार वो। मैं क्या करता, मैं घर यहाँ वापस आ गया और मैं इन दोनों का इंतजार करने लगा। और तुझे पता है बहुत देर के बाद ये लोग घर आए और 55 मिनट के बाद दोनों घर से बाहर निकले। फिर क्या पीछा किया तूने उसका? अरे यार मैं तो कर रहा था, लेकिन गाड़ी बंद हो गई और देखा तो उसमें पेट्रोल खत्म। यार अपनी तो जेब में पैसे भी नहीं थे कि यार। फिर क्या किया? सबूत जमा किया, फोटो लिया? अरे बाइक का नंबर तो देखा होगा। अरे कैमरे के लिए भी तो पैसे लगते हैं ना। और यार छुट्टी लिए उसका भी तो पैसा कटेगा ही ना, बाइक भी एमपी की थी यार। हिल, मैं सबूत चाहिए हर हालत में। अबे तू अब इंतजार कर, देख तेरा भाई तुझे सारे सबूत लाके देता है। हाँ भाभी, बहुत बड़े हो गए लेकिन अभी भी बच्चे हो। लाओ पैसे दो। अरे ओ भैया, कुछ काम है क्या? कुछ चाहिए आपको? तो कब से देख रहे हो तुम यहीं पे खड़े हो, जाओ ना आगे। नहीं भाभी, वो मेरा एक दोस्त आने वाला है, उसी का इंतजार कर रहे हैं बस। अच्छा, बस आ गया हूँ। अरे भाभी नमस्ते। नमस्ते। भैया को खिलाई ना वो वाला देसी घी वाला पेड़ा? हाँ हाँ दे देना। क्या हुआ भाभी, आप परेशान लग रहे हैं? क्या बताएं तुमको, वो आदमी देख रहे हो? कब से हम देख रहे हैं उसको, बहुत दिनों से ही हमारा पीछा कर रहा है, जहां भी जाते वहां आ जाता है। अगर तुम्हारे भैया को बताए ना तो वो तो मारने मरने पे उतर जाएंगे। समझ नहीं आ रहा इसका क्या करें। अरे भाभी चिंता काय कर रहे, हम लोग है ना, हम इलाज करके आते हैं।
क्या ये क्या रे क्या कर रहे हो खड़े हो गए यहाँ बताइए लड़की छेड़ रहा है अरे भाई साहब नजरे हैं चली जाती है कहीं भी नजरे बाबे के ऊपर जाती है क्या कर रहे हो यहाँ पे खड़े खड़े सरकारी सड़क है कोई भी खड़ा हो सकता है भाई अच्छा बेटा सरकारी सड़क है तो घर भी सरकारी हो गया क्या काट रहे हो तब से बेटा हाथ भी सरकारी है समझ रहे हो जब पड़ेगा ना तब बोलोगे क्या बात कर रहे हो आवाज नीचे कर चल देख मत जाना यहाँ पे दोबारा भाई बहुत मारे हैं लेकिन मैं तेरा काम करके लौटा हूँ क्या कुछ पता चला और भाई भाभी उस बाइक वाले के साथ बहुत बहुत ज्यादा घूमने लगी दोनों साथ में मार्केट जाते हैं शॉपिंग करते हैं वो तो तूने पिछली बार भी बता दिया था कुछ नया पता चला हाँ लगा है ना क्या यार तू सुनेगा तेरे होश उड़ जाएंगे मेरे भाई यार तू बोलना मैंने दोनों को साथ में तेरे घर के अंदर जाते देखा नीता इतने आगे बढ़ जाएगी मुझे विश्वास नहीं हो रहा और कुछ सबूत जमा किया भाई वीडियो लेने की कोशिश की थी ना क्या जाग रहा है हाँ आप गलत समझ रहे हैं मैं तुम पता ढूंढ रहा था नाका जाके करके पता ढूंढ रहा है नहीं आप गलत समझ रहे हैं दीपक ये तो वही आदमी है जो हमारे घर के बाहर घूमता रहता है हमेशा पेड़ के पीछे छुप के हमें ताकता रहता है ये और हमारे पीछा भी करता रहता है ये गलत समझ रहे हैं आप कोई नहीं नहीं आप मेरी बात सुनिए भाई कसम से बता रहे बहुत मारे हैं कूट डाले हैं रख के लेकिन भाई मैं कल कह रहा हूँ मैं कल सबूत लेके ही लौटूंगा मैं तुझसे वादा कर रहा हूँ मुकेश मैं कैसे भी करके सबूत ला के दे देखते हैं क्या क्या बात है कुछ परेशान से लग रहे हो कुछ नहीं बस काम का थोड़ा प्रेशर है काम काम तो होता रहेगा खाना तो ठीक से खा लो पर मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ओवरटाइम करना बंद कर दो तुम्हें पैसे की चिंता नहीं पैसे की चिंता हम पे छोड़ और तुम तो देख ही रहे हो दुकान से हम अच्छा कमाई तो रहे अब खाना खाओ ठीक से क्या देख रहे हो हाँ ये क्या ताका झाकी लगा रखे हो तुम्हारी बहन खो गई है क्या भाभी भाभी गलती हो गई माफ कर दी भाभी बहुत दिनों से तुमको देख रहे हैं सच सच बोलो वरना ये गांव वाले को इकट्ठा करके तुमको इतना मरवाएंगे और ऊपर से पुलिस को भी बुलाएंगे भाभी भाभी पुलिस को ना बुलाइए भाभी तो क्यों झाकते हो बताओ मैं यहाँ नहीं बता पाऊंगा अब हमें सच सच बताओ भाभी हम आपको देखिए सच सच बता रहे हैं हमें आप पर नजर रखने के लिए पैसे दिए गए थे क्या किसने पैसे दिए तुम्हें आपके पति हरियर ने हमें पैसे दिए थे उनको लगता है कि आपका अफेयर किसी और मर्द के साथ चल रहा है क्या बकवास कर रहे हो कुछ भी बोले जा रहे हो भाभी हम कसम खा के बोल रहे हैं हमें यकीन नहीं हो रहा है हमारे पति इतने गिरे हुए निकलेंगे हम अभी जाके उनसे बात करेंगे अभी उनको फोन करते हैं भाभी भाभी अभी हमें तो लगता है कि कहीं उनका ही तो अफेयर नहीं चल रहा है और आपको रास्ते से हटाना चाहते हैं आप मेरी बात सुनिए आप थोड़ा सा धैर्य रखिए क्योंकि अगर आपने उनसे जाके कुछ कहा तो मुझे पता है वो आपकी बात को काट देंगे
ऐसे स्थिति में कैसे धैर्य रख गया? हाँ? भाभी मेरे पास तो एक डील है, अगर आप कहें तो बताएं। डील? कैसा डील? भाभी हम आपके पति पर नजर रखेंगे और उनके अफेयर के सारे सबूत आपको लाके देंगे। तुम हम पे इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हो? हाँ? बदले में क्या चाहिए तुमको बताओ। भाभी हम आपकी मदद करना चाहते हैं और उनपे थोड़ा इम्प्रेशन जमाने के लिए हमें आपके अफेयर के कुछ फोटोग्राफ उनको दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, उन्हें सबूत चाहिए ना मेरे आशिक के साथ, तब आशिक भी तुम ही बनोगे। हमारी ऐसे फोटो लो कि उनका शक यकीन में बदल जाए, समझे तुम? कहाँ है फोन? एक मिनट, मैं कैमरा लगा के। भाभी हाँ आपको छूले हैं। दूर, मैं करती हूँ। हाँ भाभी ठीक है। सॉरी भाभी, इतनी सुंदर औरत कभी देखी नहीं है ना, थोड़ा फिसल गए। अब निकलो यहां से। फोन ले। सॉरी भाभी। ये देख भाई। भाई देख, उल्दान की वजह से उसका चेहरा नहीं आया, वरना उसका भी पूरा का पूरा चेहरा आ जाता है। बिना चेहरे के इंसान को कैसे पहचानूंगा? देख, हमें इस इंसान को जानना जरूरी है जिसने हमारी बीवी पे नजर डाली। यार मोहल्ले का लड़का तो ये नहीं लग रहा है, तो इसको यहाँ कभी देखा ही नहीं हमने, तो कहाँ का है फिर? काम करता हूँ, विनीता से ही जाके पूछता हूँ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अबे यार तू इतनी जल्दी क्यों कर रहा है यार? भाई वो मुझे थोड़ा टाइम दे, ऐसे सबूत ला के दूंगा कि पूरी कुंडली खींच लाऊंगा उसकी वहां से। हमें अब सबूत की जरूरत नहीं है, हम सीधा विनीता से ही सवाल करेंगे। अरे भाई अगर तुमने विनीता से कुछ कहा, वो तो कह देगी कि वो तो उसकी फोटो है ही नहीं, तो क्या कर लो? इसलिए तू थोड़ा सा सब्र कर, मैं तुझे सबूत ला के दूंगा, तू उसके मुंह पे मार देना, उसकी बोलती बंद हो जाएगी। लेकिन तब तक क्या करें, ना कुछ खाना अच्छा लगता है ना पीना अच्छा लगता है यार। दोस्त मेरे पास एक उपाय है, तू कल चल मेरे साथ, तुझे ऐसी जगह ले चलूंगा तेरा सारी टेंशन गायब। आप कौन? जी वो मुकेश ने भेजा है मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा, पैसों वैसों की बात तो हो गई ना? हाँ पैसों की बात हो गई। ठीक है आप।
यकीन नहीं हो रहा कि हरिहर जी इतने गिर जाएंगे जी। अरे भाभी आप काहे रो रही हैं? वो कहावत है ना कि अपन मन से जानो पराए मन का हाल। देखिए जब अपने मन में कालिक जमा हो ना तो सामने वाले के अंदर भी कालिक जमा दिखती। हमारा शक सही था और भाभी उसका तो अफेयर चल रहा है इसलिए वो आप पर भी आरोप लगाना चाहता है। मैं बता रहा हूँ अगर एक बार आप पर आरोप साबित हो गया ना सांड की तरह घूमेगा। देखिएगा आप क्यों परेशान हो रही हैं? आपने तो कुछ नहीं किया। उस आदमी की शक्ल अच्छी नहीं थी एटलीस्ट मन तो अच्छा होता। ठीक है धोखा क्या होता अब हम बताते हैं। विनीता वहां ड्रॉर में हमारे 10,000 रुपए रखे थे कहां गए वो? खर्च कर दिए। खर्च कर दिए? अरे ऐसी क्या जरूरत अनपड़ी जो खर्च कर दिए? अच्छा तो अपने यार को दे दिए तुमने। हमारे पास ना तुम्हारे जैसा कोई यार वार नहीं है। दरअसल हमारे पति देव का अफेयर चल रहा था तो उसी की जासूसी करने के लिए पैसे खर्च कर दिया हमने। वारे सती सावित्री उल्टा चोर कोतवाल को डांटे चक्कर चलाओ तुम और शक करो हम पर। तुम्हारे अफेयर की सच्चाई का सबूत है हमारे पास दिखाए तुमको। देखो देखो अपनी आंखों से बस एक बार ये चुड़ैल हमें मिल जाए उसका गला काट के ना वही काट देंगे हम। कौन है ये बोलते क्यों नहीं हो? सबूत तो हमारे पास भी है ये देखो। कौन है ये? बाइक वाला है ना तुम्हारा यार। ये फोटो तो हमने खुद मुकेश से खिंचवाई थी जिस दिन हमें ये पता चला था कि तुमने उसको पैसे दिए हमारे पीछे जासूसी करने के लिए। पता है उस दिन गुस्से में तुम्हारे धोखे की वजह से उस रात हम मुकेश के साथ सोने जा रहे थे। हरिहर का पता लगाने के लिए कुछ पैसे की जरूरत और पड़ेगी 10,000 रुपए की क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल भी तो डलाना है ना। ठीक है हम दे देंगे। भाभी हरिहर का पीछा बस चुप। क्या हुआ भाभी? उठो निकलो यहां से निकलो मैंने कहा। जा लेकिन हम तुम्हारे जैसे गिरे हुए इंसान नहीं है। हमारे जमीर ने हमें रोक दिया था हमें ये करना शोभा नहीं दे रहा था लेकिन तुम तो इतने गिरे हुए निकले। पकड़ो अपना फोन। अरे अगर आपको मुझ पे शक था तो मुझसे पूछ लेते ना हरिहर जी क्यों शक कर रहे थे इतना। अरे शक क्यों ना करते तो विश्वास धज के तैयार होकर कहाँ जाती थी? अरे सिर्फ 2 बार सर धज के गए हम। पहली बार जो हमें QR के लिए हमें फोटो खिंचवाना था और दूसरी बार जो वो फोटो गलत आया था उसके लिए गए थे। तो बाइक पर बैठकर किसके साथ घूमने गई थी? कौन सा बाइक वाला किसके साथ घूम रहे थे? तुम्हारे पास कोई फोटो है? मुकेश ने कोई फोटो दिखाया तुम्हें? हाँ कोई प्रूफ है क्या? हम आनंद भाई के साथ ऑटो में गए थे। अगर यकीन नहीं होता ना जाके पूछ लो उनसे। मुकेश ने इतना बड़ा धोखा दिया हमें माफ कर दो विनीता। आपको मुझ पर विश्वास करना चाहिए था। आपने ऐसा क्यों किया? मैं शक में बह गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। तुम सही कहती थी हमें एक दूसरे पर विश्वास करना पड़ेगा वरना ऐसे कोई भी कभी भी हमारी स्थिति का फायदा उठा सकता है। मुझे आपसे एक और बात बताना मुकेश बाकी तो बहुत गंदा घटिया इंसान था। उसने मुझे आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश की और मेरे फायदा उठाने की कोशिश की लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं होने दिया। लेकिन हम चाहते हैं कि हम उस मुकेश को सबक सिखाएं। हम उसे छोड़ेंगे नहीं। मेरे पास एक प्लान है
हम लोग मुकेश को उसी की चाल में फंसाएंगे। भाभी, आपने इतनी रात को बुलाया? हरिहर नहीं है क्या घर पे? वो किसी काम से बाहर गया है, कल सुबह तक आएंगे। और तुम क्या उनका नाम लेके मेरा मूड खराब कर रहे हो? अंदर आओ ना, आओ ना। एक मिनट। हाँ भाभी, ये कौन सा तरीका है प्यार करने का? बताते हैं। भाभी, ये क्या है? हम बताते हैं। भैया तू डंडा मिल। तुम दोनों ने मुझे बेवकूफ बनाया है। मैं पुलिस को बुलाऊंगा। जो पैसे मुझे और मेरी बीबी को बेवकूफ बना के निकाले थे वो कहाँ हैं? पैसे तो खर्च हो गए भैया। पैसे खर्च हो गया। तुम मर्डर कर दिया? हेलो पुलिस, यहाँ एक खून हुआ है। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास के धागे से बंधा होता है। हरिहर अपनी बीवी पर शक करने लगा और उसकी इसी छोटी सोच का फायदा उठाया मुकेश ने। काश हरिहर एक बार अपनी पत्नी से बात करता तो शायद नतीजा कुछ और होता। मगर पति पत्नी के बीच की खाई गहरी कर मुकेश ने चंद पैसे तो कमाए मगर बदले में उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। ऐसे संकेत से रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishaara.